तो टॉपिक है हमारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे इसमें आपकी नॉर्मल स्केलियन ट्राइंगल्स भी आ जाती है, आपकी इसमें आइसोसेल ट्राइंगल्स आ जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आ जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल्स आ जाएगी। ये सारी ट्राइंगल्स जो हैं आज के सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं स्केलियन। तो सबसे पहले तो बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होता, स्केलियन ट्राइंगल क्या होती है। तो स्केलियन ट्राइंगल हम उसको बोलते हैं जिसकी ना तो कोई साइड और ना ही कोई एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। नन ऑफ द साइड्स एंड नन ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, वो हमारा हो जाता है स्केलियन ट्राइंगल। अब तीन फॉर्मूले हैं, वही सबसे पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा इसका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइट, ठीक है। आपको यहाँ फिगर में मेंशन है बेस और हाइट। दूसरा पैरामीटर, तो पैरामीटर मैंने बताया हुआ है, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो तीनों साइड्स को अगर हम ऐड कर लें वो हमारा हो जाता है पैरामीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों ट्राइंगल की साइड को हम कर लेंगे प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है, तीन साइड्स दी होती हैं। कि जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन के अंदर आपको तीन साइड दी होंगी, वन सेकेंड। जैसे मान लीजिए आपको 10 दे दिया, ये 20 दे दिया, ये 30 दे दिया, और आपको एरिया निकालने को बोलेगा। तो अगर थ्रू साइड्स आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये रहा आपके सामने एरिया निकालने का, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी जो है ये साइड्स के नाम है, कि ए आप 10 ले सकते हो, बी 20 ले सकते हो, सी आप 30 ले सकते हो, ठीक है। तो आप ए बी सी ए हो गया। एस क्या होता है, तो एस हमारा होता है सेमी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सेमी क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो एस आपका हो जाएगा तीनों साइड का सम और उसका होगा हाफ। ओके, नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अगली स्लाइड में हमको कुछ क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन आपका पहला दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर 13, 14 एंड 15। तो तीन साइड दिए हैं हमको निकालना है एरिया। तो सबसे पहले आपको पता है एरिया निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एस वाला, इसको हम हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्लियर। और एस निकालने के लिए तीनों साइड का सम करना पड़ेगा, 13, 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 42 डिवाइड बाई 2 मीन्स 21। तो एस हो गया 21, ए मेरे को पता है 13 है, बी 14 है, सी 15 है। यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ मैं एरिया का, अंडर रूट, एस हो गया 42, अब 42 में से 21 माइनस, सॉरी एस मेरा हो गया 21। तो एस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे है 21, यहाँ इरेज कर देता हूँ मैं इसको, 42 लिख दिया गलती से। तो एस हमारा हो गया 21, आगे 21 में से 13 माइनस करूंगा तो 8, 14 माइनस करूंगा 7, 15 माइनस करूंगा 6। तो इसका अंडर रूट निकालना है मेरे को। अब जब अंडर रूट निकालना है तब हम क्या करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं किसका स्केयर रूट है। तो आपको पता है अंडर रूट का मतलब मेरे को देखना है टू टू के पेयर, दो दो के पेयर बनाने। 7 एक सिंगल है, और 7 कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, ये 21 से। तो मैं 21 को क्या लिख दूंगा, 3 इंटू 7 लिख दूंगा। 8 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 4 लिख दूंगा, और 7 का तो 7 ही रहेगा, और 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पेयर्स बन जाएंगे, एक बना मेरा 3 का पेयर तो 3 लिख लिया, एक बना मेरा 7 का पेयर 7 हो गया, एक बना मेरा 2 का पेयर, और ये 4 का अंडर होता है 2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरी, ये 7 है, 21, 42 इंटू 84, तो 84 यूनिट है इसके सेंटीमीटर। तो एरिया मेरा हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, क्लियर क्लियर है, ओके ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ ट्राइंगल फील इज 3 टाइम इट्स ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट। तो आपको वो कह रहा है एक ट्राइंगल है, इसकी जो हाइट है इसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो बेस ऑफ द ट्राइंगल फील इज 3 टाइम्स, तो बेस जो है सर 3 गुना है, कि अगर ये हमारा एक्स है तो बेस 3x होगा, क्लियर। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, तो कल्टीवेटिंग मैं बहुत बार कवर करा चुका हूं आपको, स्क्वायर के साथ भी, सर्कल के साथ भी। कल्टीवेटिंग क्या होता है, कल्टीवेटिंग अंदर होती है खेती, तो अंदर खेती होगी अंदर, तो अंदर का मतलब स्पेस, कितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा कितनी कल्टीवेशन होनी है। तो स्पेस का मतलब एरिया, तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, एरिया का यूज करना पड़ेगा। अब पढ़ लेते क्या दिया हुआ है, फील्ड 24.68 पर हेक्टर। मैं हेक्टर भी बता चुका हूं आपको प्रीवियस क्लास में, फिर भी मैं यहाँ कर देता हूं कि हेक्टर का मतलब 1 हेक्टर जो आपका होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल, क्लियर। कि इसको मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा मीटर स्क्वायर बन जाएगा। 3.38.8 फाइंड द बेस एंड हाइट, तो बेस और हाइट निकालना है। अब देखो आपको ये दिया हुआ है कि 24.68 खर्च आता है मेरा, और टोटल खर्चा इतना है। मैं आपको सिंपल बोलता हूं कि मेरा 10 रुपये खर्चा आता है 1 मीटर पे, 10 रुपये 1 मीटर पे, और मेरे पास जो स्पेस है वो 80 मीटर 80 मीटर। तो 10 रुपये अगर 1 मीटर पे आता है और 80 रुपये मेरा खर्च हुआ है, इट मीन्स वो जगह कितनी है, 8 मीटर। 8 मीटर जगह होगी तभी 10 रुपये के हिसाब से 80 रुपये मेरा खर्च बना होगा। तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंस को अगर मैं पर यूनिट एक्सपेंस से डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा,
एरिया मिल जाएगा। तो यहां से मेरा एरिया फाइंड होगा, मैं 333.18 टोटल एक्सपेंस को हम डिवाइड करेंगे 24.68, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10,000 के साथ। ठीक है, अब यहां से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, थोड़ी कैंसिलेशन कर लेते हैं। 2 से कटेगा 21, 22, 23, 24, फिर 21, 26, 26, 25, 29, फिर उसके बाद अगेन 2 से कर लेते हैं 26, 21, 27 और इधर काट लेते हैं 25 और 30। क्लियर, अब नेक्स्ट इसको ट्राई करते हैं, अगर करना है तो किसके साथ करना पड़ेगा, लास्ट में मेरे को 9 चाहिए तो 7 के साथ करना पड़ेगा, 7। ठीक है, तो ये हमारा फिर इसके बाद डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 27 से, तो 27 यहाँ वैल्यू आ जाएगी। 27 को अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी वैल्यू बन जाएगी 0,0,0,35 बच के 3,135। ठीक है, 135,000 मीटर स्क्वेयर ये जो है मेरा एरिया आ चुका है, और एरिया का फॉर्मूला कहता है हाफ, ठीक है, हाफ, और बेस मेरे को दिया हुआ है 3x और हाइट मेरे को है x। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालूंगा, 3 से कैंसिल करता हूं उसको, 3,4,3,5, तो 45,000, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 90,000। तो x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मेरी आ जाएगी 90,000, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, बेस एंड हाइट, अगर हाइट 300 है तो बेस उसका ट्रिपल है तो क्या हो जाएगा 900। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, हाइट जो है वो मिल चुकी है 300 और बेस जो है वो मेरा हो जाएगा 900, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर, तो इसमें समझने वाली बात क्या थी, अगर आपको टोटल एक्सपेंस दिया है, पर यूनिट एक्सपेंस दिया है, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एरिया मिलने वाला है। उसके बाद हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया है और हमको दिया हुआ था बेस जो है वो हाइट से 3 गुना है, वो हमने पुट करके वहां से निकाली हाइट, जब हाइट मिल गई तो हमने निकाली फिर बेस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जाता है अगली प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल बहुत यूज होने वाली ट्राइंगल, बहुत चैप्टर में यूज होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल जो है वो हमारा होता है 90 डिग्री का। ठीक है, आपको मेन याद रखना है 90 के सामने जो साइड होती है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो साइड होती है वो फिक्स है, वो हाइपोटेन्यूज ही होती है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगी। बाकी इन दोनों साइड में से आप किसी एक को मान सकते हो परपेंडिकुलर और किसी एक को मान सकते हो बेस, ये फिक्स नहीं है। परपेंडिकुलर आप इसको भी ले सकते हो नीचे वाले को, और बेस उसको भी ले सकते हो, बस 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा परपेंडिकुलर और बेस से, ट्रिग्नोमेट्री में फर्क पड़ता है, जब वो ट्रिग्नोमेट्री हम चैप्टर करेंगे उसमें देखेंगे किस तरीके से कि हमको परपेंडिकुलर लेना होता है या फिर बेस लेना होता है। एक प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट है जो हर जगह यूज होती रहती है, मोस्टली हर चैप्टर में यूज होती है, वो है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इस साइड का जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। क्लियर, उसके बाद एरिया, एरिया का फॉर्मूला सेम है, हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर, उसके बाद पैरामीटर का फॉर्मूला सेम है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको यूज होंगे, और तीसरा पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अगला आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है, मींस ए और ये हमारी होती है हाइट। ठीक है, ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सारे एंगल भी जो है इसके होते हैं 60 डिग्री के। क्लियर, ये होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अब आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। तो पहला फॉर्मूला एरिया निकालने का, तो अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, 3/4 अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट पैरामीटर क्या होगा, वो तो आप बता सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a, तो ये हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स 3a। नेक्स्ट आपको आ जाता है हाइट निकालने का, कि अगर हमको क्वेश्चन में साइड दी हुई है, ठीक है, और हाइट निकालनी है तो आप इस तरीके से हाइट निकाल सकते हो, अंडर रूट 3/2a, ये हो गया हाइट निकालने का फॉर्मूला। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एक, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, हाइट निकालनी है ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल हुज साइड इज, तो ये आपका है 3/3, साइड उसने दे दी है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3/2a। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था, चेक कर सकते हो, अंडर रूट 3/2a। अब हाइट की वैल्यू हमको दी हुई है 3/3 = √3/2a, यहां से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, इट मीन साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी आ गई आइसोसेल ट्राइंगल। तो आइसोसेल ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये है आपका आइसोसेल ट्राइंगल, 2 साइड्स आर इक्वल, जैसे ये जो 2 साइड्स हैं ये इक्वल है, लेट मी चेंज द कलर, तो ये 2 साइड्स इक्वल है और ये साइड नॉन इक्वल है। इक्वल साइड्स को हमने ए का नाम दे दिया, नॉन इक्वल साइड को हमने बी का नाम दे दिया, और ये तो हमारी हाइट है ही हाइट। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। तो पहला फॉर्मूला आपका हो गया एरिया निकालने का, एरिया ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट।
क्लियर, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस अगर साइड्स गिवन होती, एरिया निकालना होता, फिर हम हीरोज फॉर्मूला यूज करते एस वाला, बाकी हर केस में ट्राइंगल का फॉर्मूला सेम ही है। इक्वल ट्राइंगल का आपने देखा था अंडर 3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल, तो पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए प्लस ए टू ए हो जाएगा, उसके साथ बी मिल जाएगा, तो टू ए प्लस बी। अगला ऑल्टीट्यूड, हाइट निकालनी हो तो हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला बना कैसे है, कि अगर हम ये चीज नोट करें तो ये हमारी क्या बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी, जिसमें ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, एच निकाल रहा हूँ मैं, तो एच का फॉर्मूला लगाऊं क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि ये बी बाई टू है, बी बाई टू का स्क्वायर, वहां से ये फॉर्मूला बन गया है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर उसका स्क्वायर रूट। क्लियर, तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल के फॉर्मूले थे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट होता है। मेरे को क्या दे दिया है उसने, अल्टीट्यूड दे दिया है उसने, मेरे को हाइट दे दिया है कि इसकी जो हाइट होगी ऑल्टीट्यूड की वो गिवन है 8। पैरामीटर में को गिवन है, पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब दो साइड्स इक्वल, तो 2a और एक नॉन इक्वल b, ये हमारा है 32 सेंटीमीटर। एक हमको हाइट गिवन है, तो किस तरीके से मैं इसको यूज करूंगा, पहले मैं हाइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, हाइट का फॉर्मूला अभी हमने देखा था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। क्लियर, अब मैं अंडर रूट को तो ले जाता हूं, हाइट की वैल्यू मेरे को दी हुई है, हाइट की वैल्यू थी 8, तो 8 इधर के अंडर रूट होगा, स्क्वायर बन जाएगा 64, तो 64 इधर मैं एलसीएम ले लेता हूं, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब ये 4 भी इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 256 इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन हो गई हैं, एक इक्वेशन मेरे पास ये थी और एक इक्वेशन मेरे पास ये है, अब इन दोनों का यूज करके मेरे को आंसर निकालना है किस तरीके से आंसर आएगा। तो यहां से अगर आप नोट करो तो ये क्या है 2a का स्क्वायर है, ये 4a जो है 2a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b a माइनस b, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी 2a 2a प्लस b और 2a माइनस b लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो है ये 2a का स्क्वायर है और ये तो b का स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लगा के a प्लस b a माइनस b करके मैंने 256 के इक्वल कर दिया। यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू मेरे को पता है किसके इक्वल है 32, तो यहाँ मैं लिखूंगा 32 और यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस b की 256, ये मेरा एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा 8 के साथ। अब 2a माइनस b की वैल्यू 8 और 2a प्लस b की वैल्यू कितनी है 32, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, मेरे को क्वेश्चन में निकालना है मेरा बेस निकालना है b, तो यहाँ मैं इनको माइनस करता हूँ, फिर ए वाले को कैंसिल करता हूँ, ये कैंसिल होगा, ये इधर आ गया माइनस टू बी और उधर आपका आ जाएगा माइनस 8 में से 32 गए तो 24 और यहाँ से ये कैंसिल, तो बी की वैल्यू मेरी आ जाएगी 12। अब यहाँ पुट करूंगा हाफ बेस मैंने अभी निकाल लिया है 12 और हाइट मेरे को ऑलरेडी गिवन थी 8, यहाँ से 6 कैंसिल, तो आंसर मेरा हो जाएगा 48 यूनिट है इसके सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर कि मेरे को क्या गिवन था पैरामीटर, मैंने पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दिया, और क्या गिवन था हाइट, मैंने हाइट का फॉर्मूला लगा दिया, वहां से मेरी दो इक्वेशंस बनी और दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करके फिर मैंने वहां से निकाला है बी, बी मतलब बेस, जब बेस मिल गया फिर मैंने उसको एरिया के वैल्यू में पुट कर दिए, मेरा एरिया का आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, उसके फॉर्मूलेस और एक एक बेसिक क्वेश्चन के साथ में हमने कवर किए हैं। अगली प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम कवर करेंगे पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, धन्यवाद।